वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। अच्छा, आज हम एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वो ये है सेल्फ लव या सेल्फ केयर, इसका जो हमारी मेंटल हेल्थ है इसके साथ कनेक्शन कैसा है। तो इस पर तो मैं बाद में आता हूँ कि ये हम सेल्फ लव एक्चुअली होता क्या है, हम कैसे किस चीज़ को एक्चुअली में सेल्फ लव कहते हैं। क्या अपने लिए कहते हैं ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लेना, अपने लिए कुछ शोहरत इकट्ठी कर लेना, ये सारी चीज़ें कुछ सेल्फ लव में आती हैं, कतन नहीं आती। सो फिर क्या चीज़ आती है सेल्फ लव के अंदर, इस पॉइंट को एक सेकंड के लिए मैं साइड पे रखता हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताना है कि लव या प्यार जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट क्यों है। और लव हमारा सिर्फ अपने आप के साथ नहीं, टूवर्ड्स एवरीथिंग इतना ज़रूरी क्यों है। और अगेन हमारी ये जो हमारी जो भी मेंटल कंडीशन होती है ना, उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ कुछ कुछ चीज़ें 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 हो सकती हैं जो हमारे अंदर, मैं इधर से बोर्न सेंसिटिव हूँ, ठीक है, तो ठीक है मेरे अंदर एक चीज़ ये है कि मैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव हूँ जेनेटिकली और मैं चीज़ों को ज़्यादा महसूस कर सकता हूँ। बट ओवरऑल जो मेन कल्प्रेट होता है वो हमारा जो बाहर से चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं हमें सराउंडिंग्स में। अब मैं कुछ नहीं कर सकता अगर हम एक बड़ी हॉरेबल किस्म की सोसाइटी के अंदर रह सकते हैं या रह रहे हैं, बट व्हाट कैन आई डू इन ऑर्डर टू मीन अपने आप को काम रखने के लिए, कंट्रोल्ड रहने के लिए, और उसमें लव किस तरह, जो प्यार है वो किस तरह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सपोज करें हमारे गुड डेज होते हैं, बैड डेज होते हैं, कुछ दिन होते हैं हम बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं, कुछ दिन होते हैं हम डाउन फील कर रहे होते हैं। चलो हम अभी थोड़ी देर के लिए डाउन डेज को साइड पर रखते हैं, पर जिस दिन हम अच्छा फील कर रहे हैं, सपोज करो आप उठे हो, आपका एक अच्छा दिन है, ठीक है, और सडनली आपको पता चले कि आपकी किसी इंसान के साथ नहीं बनती या आप उसको पसंद नहीं करते, वट एवर द रीजन्स, आपको पता चले कि यार उसने एकदम से बड़ी तरक्की हो गई है उसकी और उसने एकदम से बड़ी शोहरत कमा ली है, सडनली आपका दिन बुरा हो जाएगा आउट ऑफ नो वेयर। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज आपकी उस इंसान के टूवर्ड्स नफरत की वजह से आपका दिन गया, हो सकता है आपका हफ्ता भी गया। ये सिर्फ एक इंसान तक महदूद नहीं है, हम अपने साथ जितनी भी चीज़ें जोड़ लेते हैं। सपोज करो कि आप दो टीम्स खेल रही हैं और आप एक टीम की तरफ आपका टिल्ट है, आप कहते हैं ये मेरी टीम है, ठीक है, और अगेन हो सकता है आपका बड़ा अच्छा दिन हो, आप हेल्दी हो, आप अच्छे से घूम फिर सकते हो, अच्छे से खा पी रहे हो, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है आपकी लाइफ के अंदर, सडनली जिस टीम को आप सपोर्ट करते हो वो हार जाए और जिस टीम को आप ना पसंद करते हो वो एकदम जीत जाए, दिस विल रुइन योर डे, आप डाउन हो जाओगे, यार क्या फसूल दिन है। अगर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना हो तो हम तो बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, हम जिस तरह हमारे ये दो मुल्क हैं, हम जो नेबर्स हैं, तो आपको ये एकदम से पता चले जी कि टेंडुलकर ने या किसी ने जो है बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी मार के मैच जिता गया, यार इनको तो हारना चाहिए था। सेम इज़ द केस जो उस तरफ बैठे हैं उनको एकदम पता चले, अच्छा यार उधर शाहिद अफरीदी ने को, बाबर आजम ने को सेंचुरी मार के मैच जिता दिया, वो यार दूसरे को जीतना चाहिए था, आपका मूड गया क्योंकि आपने एक के साथ एफिलिएशन जुड़ी हुई है अपने, ठीक है, और दूसरे के साथ आपको बिल्कुल एफिलिएशन तो दूर, आप उसको ना पसंद करते हो, आपकी सिर्फ लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से मेंटली तौर पे यू विल फील डाउन। बट अगर आप देखो जितना प्यार आपको अपने आप के साथ है उतना ही आपको सारी एग्जिस्टेंस के साथ हो, ये इमोशंस ही खत्म हो जाएंगे। आपको हर इंसान के साथ प्यार है, अगर कोई अच्छा अच्छा कर रहा है आपको उसके साथ प्यार हो गया, जबरदस्त, अल्लाह इसकी और जो है ना कामयाबियां ता करे इसे।
इस बात को समझें, आई इट्स नॉट के क्योंकि कोई रॉन्ग डूइंग्स कर रहा है, वो जाहिर सी बात है अगर कोई गलत कर रहा है तो कोर्स को गलत है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि किसी भी छोटे से फैक्टर की वजह से हम अपनी लाइफ तबाह कर लेते हैं, हम अपना जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसको खुद हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन है। मेरा कहने का मकसद ये है कि कुछ भी नहीं हो रहा आपके साथ, खुदा ने आपको सब चीज़ों से नवाजा हुआ है, अच्छी हेल्थ है, घूम फिर रहे हो, जिंदगी भी आपके पास है, आप जब बाहर जाके परिंदों को देख सकते हो, फूल देख सकते हो, इर्द गिर्द जिंदगी सब कुछ परफेक्ट है, बट आउट ऑफ नोवेयर आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स, किसी के साथ नफरत, ये सारी चीज़ें, ये सारे जेलसीज मलकियत परस्तीज पोजेसिवनेस, ये सारी चीज़ें आपको डाउन कर देती हैं। सो सिर्फ एक ही सलूशन है और वो है ट्रू लव। आपको सिर्फ हर एक को प्यार देना है। जिन लोगों की अक्सर हम बात करते हैं, जिन स्पिरिचुअलिस्ट्स की अक्सर मैं बात करता हूँ, हमारे जो सूफिया गुजरे हैं, औलिया गुजरे हैं, उन्होंने तो वर्स्ट इंसान जो दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं उनके टूवर्ड्स भी बड़ा कंपैशन रखा है, बड़ा लव रखा है, उनको नफरत करनी आती नहीं थी क्योंकि वो सलूशन ही नहीं है। सो ये मेरी एक छोटी सी तमहीद थी टूवर्ड्स लव। अब सेल्फ लव, वो मेंटल हेल्थ के साथ उसका जो कनेक्शन है ना, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं हम। मैंने जितने भी लोगों को अभी देखो, मेरी का आदत है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ या स्टडी करता हूँ लोगों को, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि कोई दूसरा आपसे गलत रवैया रखे, कोई दूसरा आपको हर्ट कर दे, कोई दूसरा आपको बिलिटल करे, कोई दूसरा आपकी तजहीक कर दे, ठीक है, को बहुत बुरा लगता है, हर्ट होते हैं, ठीक है, और ये अंडरस्टैंडेबल बात भी है। अनलेस और अनटिल हम स्पिरिचुअली वेकर्ड ना हो, हम हर्ट होंगे, बट यही काम हम अपने साथ खुद करते रहते हैं, उसका हम क्या करें। हम अपने आप को हर वक्त जज करते रहते हैं, यार मैं तो पहले ऐसे था, मैं ऐसा अब क्यों हूँ, मैं ऐसे था मैं वैसे क्यों हूँ, मुझे ऐसे होना चाहिए था मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों चीज़ों को ज़्यादा फील कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ। आप हर वक्त अपने आप को प्रेशराइज करते जा रहे हो, आपके साथ कोई बॉडी के अंदर कोई अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है तो इसके अंदर आप क्या क्या कसूर है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, जिस तरह एक एग्जांपल देता हूँ, कई फीमेल्स होती हैं वो बड़ी पोजेसिव होती हैं इस चीज़ को लेके कि हम जो है ना हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें इस तरह होनी चाहिए थी, इस तरह क्यों नहीं है, इस तरह क्यों। अब हम मुतमिन नहीं हो पा रहे अपनी स्किन के साथ, और सिर्फ किसी और की जजमेंट्स की बेस के ऊपर हम अपने आप को जो ना रख रहे हैं, और किसी और के साथ हम बेसिकली अपना मुआवजना कर रहे हैं, अपने साथ पीस में ही नहीं आ रहे। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है, आप उस ट्रॉमे की बेस के ऊपर हम गलती क्या करते हैं, खुद से नफरत, अपने आप से घिन पैदा कर लेते हैं, हर वक्त सिचुएशन से भागते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने खुद को कम्युनिकेट करना है, आपने खुद को कहना है इट्स टोटली फाइन, कुछ नहीं होता। अब कई लोग जो एंजाइटी के अंदर चले जाते हैं, सबसे कॉमन फिनोमिनन ये है कि वो ये बोलते हैं कि पहले इस्लाम भी मैं ऐसे थी, मैं पहले ऐसे था, अब ऐसा क्यों नहीं, मैं पहले ऐसे था मैं ऐसे। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं हो तो अभी जैसे हो उसको पूरी तरह एक्सेप्ट करो, और जिस तरह के हो उसके टूवर्ड्स एक कंपैशन पैदा करो, इट्स टोटली फाइन, कुछ ऐसा नहीं हुआ, इसको भी डील कर लेंगे, कुछ एंशियस होने की जरूरत नहीं है।
आप अपने आप को बार बार कम्युनिकेट करो कि मुझे अपने आप से प्यार है, और कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई परेशानी की बात नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। ये सेल्फ लव है, अपने टुवर्ड्स केयर है। हम कोई अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो उसका अजाला भी यही है कि कॉन्शियसली हम जिस तरह कहते हैं ना कि हम तौबा करते हैं जब खुदा के सामने, तो असल तौबा क्या है कि आप पूरे कोर तक जाके उस चीज़ को मानो कि मेरे से एक ये मिस्टेक हुई है, ठीक है, खुदा मुझे माफ़ कर दे। बड़ी खूबसूरत चीज़ है तौबा, इसकी फिलॉसफी बड़ी डीप है, ये आपके अपने लिए है। खुदा खुदा को क्या लेना देना यार आपकी तौबा से, या आप जो दुआ करते हो वो बेसिकली हमारे अपने लिए हैं, वो चीज़ें, ये चीज़ें हमें स्ट्रेंथ देती हैं। आपने अगर कोई मिस्टेक कर भी ली है, आप अपने आप को माफ़ किस तरह कर सकते हो? फर्स्ट स्टेप तो यही है, ऑब्वियसली अगर आपने किसी को हर्ट किया आप उससे जाके माजरत करते हो, माफ़ी करते हो, अगर उसके लिए कुछ बेहतरी कर सकते हो वो करते हो। देन सेकेंड थिंग इज कॉन्शियसली खुदा से तौबा करते हो, एक माफ़ी मांगते हो, ठीक है, मेरी आँख खुल गई है, मुझे आइंदा ये नहीं करना, दैट्स ऑल। यही आप कर सकते हो, और बैठ के कोई अपने आप को कुछ छुरियाँ मारना या अपने आप को कोई, दिस इज नॉनसेंस, इसका ना आपको कोई फ़ायदा है ना कोई सोसाइटी को फ़ायदा है। हाँ, आपको और सोसाइटी को तब फ़ायदा है ताकि आप अगर आप उस मिस्टेक को कॉन्शियसली देख के आगे जब लाइफ में टूवर्ड्स आगे करते हो, ना वो खुद रिपीट कर सको और ना ही आप आगे, मतलब जो घर को कोई लगे कि उस तरफ जा रहा है उस मिस्टेक की तरफ, उसको वो करने दो, दैट्स ऑल वन कैन डू। और ये सब कुछ तब भी है जब आप अपने टूवर्ड्स सच्चे होना शुरू हो जाओ और खुद का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो, आप अपने आप को जानना शुरू कर दो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो, ठीक है, और एक कंपैशन, एक लव अपने अंदर जाना, उसको उसका एक जिसे कहते हैं चिराग जला लो, दैट्स ऑल। आप खुद ब खुद देखोगे कि आप, अब लोग अक्सर पूछते हैं ना कि इस्लाम भाई ठीक है हमने मेडिसिन भी छोड़ दी, अब उसके बाद कैसे हम एंग्जाइटी, ये है सोल्यूशन, क्या इंदा ये इमोशंस आपके अंदर ना आए, आपको अपना बिल्कुल अच्छे से पता हो, और अगर कुछ हो भी तो उसको नॉट एट ऑल, इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है, हो जाता है ऐसे, इट्स टोटली फाइन, यू आर फाइन। ये कम्युनिकेशन हमारी अपने साथ होना बहुत ज़रूरी है, और आप सिर्फ इसको एक हैबिट बना लें कि अपने सबकॉन्शियस को, पीछे जो आपका सबकॉन्शियस है उसको सिर्फ पॉजिटिव मैसेज पहुंचाना है आपने कि सिर्फ प्यार है यहाँ पे, आपको किसी से कोई नफरत नहीं, कोई चीज़ आपको डरा नहीं रही, आप जो हो एक्चुअली में आपको इससे प्यार है, एंड यू कैन डू एवरीथिंग, दैट्स ऑल। यही जो है ना, इसी में से आपका जो ये, आप खुद ही देखोगे कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो किस तरह इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। सो इस पे लाजमी काम करिएगा। आज का इतने पैगाम था, अल्लाह हाफिज़।